हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल कदर हस्ती हैं जिन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांग के लिया। सारे सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं, लेकिन जनाब उमर मेरे हुजूर की मुराद हैं। 39 लोग जब इस्लाम ला चुके, 39वें शख्स हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, और उनका ईमान लाना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ढारस और बहुत बड़े हौसले का सबब व जरिया बना। तो मेरे हुजूर ने हाथ उठा लिए, कहा ए अल्लाह एक शेर दिया है अमीर हमजा, एक शेर और अता कर दे, अब तेरी मर्जी, उमर बिन खत्ताब दे दे या अमर बिन हश्याम दे दे। हुजूर दुआएं मांग रहे हैं और ये हाथ में तलवार लिए गैज़ो गज़ब से भरे हुए घर से निकलते हैं कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा देना है। रास्ते में एक साहिब मिले और कहा कि उमर तैवर कोई अच्छे नहीं लगते, खैर तो है, किधर जा रहे हो? कहा चिराग इस्लाम बुझाने जा रहा हूं, ये रोज का मसला खत्म होने लगा है मेरे हाथों। मुस्करा के बोले घर की खबर तो लो। कहा मेरे घर को क्या हुआ? कहा तुम्हारी बहन फातिमा भी नौकर बन गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्से से भरे हुए अपनी बहन के घर का रुख करते हैं, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, गुस्सा और बढ़ जाता है, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। अहले खाना समझ गए माजरा क्या है, गरजदार आवाज है जनाब उमर की, दरवाजा खोलो जल्दी से। मुअल्लिम को छुपा दिया और बहन आगे बढ़ के दरवाजा खोला, कहा तुम साबी हो गए हो, दीन छोड़ दिया तुमने, बुतों की वफा तर्क कर दी और बेतहाशा मारना शुरू किया। बहन का सर फट जाता है, खून बहने लगता है और ये मारते चले जाते हैं। फातिमा बिनते खत्ताब बोली उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, सुनो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, जो जुल्म जो जबर करना है करो, मैं मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छोड़ूंगी। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो कौन सी ताकत है जिसने बिजलियां भर दी इसके अंदर? कहा जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी सुना सकते हो? कहा तुम्हें गुसल करना होगा, उमर अपने बदन को धो रहे हैं, मेरा रब दिल धो रहा है। इतने में मुअल्लिम भी कुरान लेकर आ जाते हैं और कुरान की तिलावत होने लगती है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, 14वीं रात के महबूब चांद, हमने कुरान इसलिए नाजल तो नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। बेताब हो गए, कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे ले चलो हुजूर की चौखट पे, तलवार हमायल की है, बहनोई साथ हैं और हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरवाजे के सुराखों से देखा तो सहाबा तशवीश का इजहार करने लगे कि उमर आ रहा है, तलवार हमायल की है, इरादे अच्छे नहीं लगते। जनाब अमीर हमजा ने कहा दरवाजा खोल दो, अच्छी नीयत से आया तो इस्तकबाल करेंगे, नीयत अच्छी नहीं है तो उसकी तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे। हुजूर के सामने जाके बैठ गए, गले में कपड़ा डाला था, हुजूर ने पकड़ के कहा उमर अभी वक्त नहीं आया कि तुम इस्लाम ले आओ। यही वक्त था उमर के इस्लाम लाने का, लबों पे कलिमा जारी हो गया, अल्लाह अकबर की सदा इस जोर से गूंजी कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। इस्लाम लाने के बाद हुजूर से पूछते हैं हुजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया हम हक पर हैं, अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? कहा अल्लाह का दीन सच्चा है, आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो कहा फिर हम छुप के इबादत क्यों करें? अब मुसलमानों की दो सफें बनती हैं, एक सफ की कयादत अमीर हमजा करते हैं, दूसरी सफ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में हैं और ये मलकूती काफिला सहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विकार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर लाया होगा। वो कहते हैं, आओ उमर किधर आए हो? कहा तुम्हें बताने आया हूं, कमजोरों से पंजा आजमाई करते रहे हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूं। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया, जब अच्छे लोगों का जिक्र करो तो मेरे उमर का जिक्र भी किया करो। मेरे उमर की जुबान पर हक बोलता है, सच बोलता है। इन शैतान यफिरु मिन जिल्ले उमर, उमर के साए को देख के शैतान भागता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम लाए तो जिंदगी की एक एक सांस इस्लाम के लिए वक्फ कर दी, हुजूर का पहरा दिया, हुजूर की नामूस का पहरा दिया, हुजूर की शरीयत का पहरा दिया। इस्लामी फतूहात फैली तो फैलती ही चली गई। कभी मिस्र फतह हो रहा है, कभी ईरान फतह हो रहा है, आर्मीनिया तक मुसलमानों की अफवाज पहुंचती हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला की सल्तनत फैल जाती है। अदल इंसाफ का दौर दौरा होता है। जमाने ने देखा कि गैर मुस्लिम भी अदालत में खड़ा है तो उसे खौफ नहीं होता था कि मेरे से नाइंसाफी होगी, इसलिए कि हुकूमत उमर की चल रही है। वो भी मुतमईन होता था कि मेरे साथ इंसाफ होगा।